नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आने वाले 3 सालों में बिजली की समस्या होगी खत्म। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिजली विभाग ने दी अहम जानकारी। 6 और 7 मई को मिलेगा बालूघाटों के लिए टेंडर। कोरोना के मामले में लगातार उतार चढ़ाव बरकरार। लियायांग लिविंगस्टोन ने लगाया मॉन्स्टर छक्का। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आने वाले 3 सालों में बिजली की समस्या होगी खत्म। इन गर्मियों में भी बिजली संकट से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब बिहार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही किसानों को पटवन के लिए अलग से बिजली की सुविधा मिलेगी। देश भर में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे देश भर में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जिसमें बिहार ने लगभग 13,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम करने की जानकारी दी थी। इस परियोजना के अंतर्गत हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए कृषि फीडर बनाने की योजना पर और तेजी से काम होगा। संचरण वितरण व्यवस्था और बेहतर करने के लिए जरूरत के अनुसार ग्रिड सबस्टेशन फीडर बनाए जाएंगे। पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ऐसे में बिहार में आने वाले 3 सालों में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। 60 लाख की शराब की गई जब्त। बिहार में शराबबंदी इतनी सख्ती से लागू कराई जा रही है, लेकिन फिर भी आए दिन शराब तस्करों की जानकारी निकल करके सामने आती रहती है। इसी बीच बीते दिन पटना के बेहटा में देर रात मद्य निषेध विभाग की टीम ने 60 लाख से अधिक के शराब को जब्त किया है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने हरियाणा की ट्रक और शराब के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की निर्मित शराब अरुणाचल प्रदेश में बेचे जाने की योजना थी। शराब माफियाओं ने झारखंड से इसे डंप करके बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद मद्य निषेध विभाग के अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात उन्हें गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से चलकर एक ट्रक विदेशी शराब बेहटा पहुंच रही है। शराब की कीमत लगभग 60 लाख के आसपास बताई गई। आंधी बारिश की प्रबल संभावना के बीच 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है और कई जिलों को तपती गर्मी से राहत मिली है। मार्च महीने से सूरज की तपिश ने लोगों का हाल खराब कर रखा था। ऐसे में अब सभी जिलों में तेज और ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन आंधी बारिश की वजह से अब लोग परेशान दिख रहे हैं। बीती रात बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के करीब 10 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, नालंदा, नवादा में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और तेज बारिश की संभावना है। राजधानी पटना की सड़कों पर सफर करना हो सकता है और भी महंगा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से बिहार में ऑटो का किराया भी बढ़ने जा रहा है। जी हां, अब पटना की सड़कों पर ऑटो से सफर करना महंगा हो सकता है। खासकर पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। अगले सप्ताह से प्रति स्टॉप 2 रुपए ऑटो से सफर महंगा किया जा सकता है। साथ ही रिजर्व ऑटो किराए में भी 15 से 20% तक की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ एक्ट 2 के चितकोहरा बाजार सब्जी मंडी स्थित कार्यालय में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले टेम्पू चालक संघ द्वारा ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिजली विभाग ने दी अहम जानकारी। अगर आपके घर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और अगर कोई तकनीकी खराबी से बिजली बिल नहीं आ रहा है तो सतर्क रहे, बिजली बिल की राशि बचा कर रखे। एक साथ बिल आने पर बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, नहीं तो बिजली कट जाएगी। बिजली कंपनी की तरफ से बताया गया है कि तकनीकी कारणों से खर्च होने वाली बिजली का आकलन नहीं हो पा रहा है, इससे उपभोक्ताओं को बिल राशि की जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई महीनों बाद अचानक बिल आ जा रहा है, ऐसे में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक का कहना है कि आप अपने महीने के बजट में बिजली बिल को शामिल करें, जिससे कुछ हद तक इन परेशानियों से बचा जा सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित किसी भी तरह की शिकायत के लिए आप www.sbpdcl.co.in पर जा सकते हैं। सस्ती हुई कोवोवैक्स की खुराक। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। कम शुल्क में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। इसी कड़ी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने बीते दिन कोवोवैक्स की प्रत्येक खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। हालांकि इस कीमत पर आपको GST देना होगा।
मालूम हो कि कोवोवैक्स वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दी गई है। देश में मौजूदा समय में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 12 से 14 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई का कोवोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका मुफ्त में लगाया जा रहा है। 6 और 7 मई को मिलेगा बालूघाटों के लिए टेंडर। राज्य के 14 जिलों में करीब 50 बालूघाटों की बंदोबस्ती फिर से हो रही है और इसी सप्ताह ई टेंडर के माध्यम से घाटों की नीलामी पूरी हो जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले फरवरी महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत राज्य में 16 जिलों के करीब 330 बालूघाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड ने शुरू की थी। इस दौरान जिन बालूघाटों की बंदोबस्ती किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी थी, उन घाटों की बंदोबस्ती निगम के माध्यम से की जा रही है। इसके बाद अब 6 और 7 मई को ई टेंडर के माध्यम से चयनित बंदोबस्तधारियों को बालूघाटों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिनमें पटना, औरंगाबाद, अरवल, बांका, भोजपुर, गया, जमुई, किशनगंज, रोहतास, सारण, लखीसराय, वैशाली, बक्सर और पश्चिम चंपारण शामिल है। अब जेईई मेंस परीक्षा में शामिल हुए बिना ही ले सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। अगर आप जेईई मेंस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार आपको भी मौका देगी। मालूम हो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लिया जाता था, लेकिन अब उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है। इसके बाद जो भी सीटें बचेंगी तो इन बची हुई सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी नामांकन ले सकते हैं। इस बाबत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में 9,365 सीटें निर्धारित हैं। 10 मई को पटना से मुंबई जाने वाले विमानों के स्केड्यूल में हुआ बदलाव। अगर आप पटना से मुंबई के लिए 10 मई को उड़ान भरने वाले हैं तो एक बार स्केड्यूल जरूर चेक कर लें, क्योंकि 10 मई को पटना से मुंबई जाने वाले विमान के स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। वजह यह है कि 10 मई को वहां के रनवे की मरम्मत है। इसके कारण दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे बंद रहेंगे। इस अवधि में मुंबई जाने वाली फ्लाइटों का समय बदलकर आगे पीछे कर दिया जाएगा। पहले या बाद में अधिक लोड के कारण टाइम एडजस्टमेंट में समस्या आने पर विमानों को डायवर्ट या रद्द भी किया जा सकता है। इसी प्रकार दरभंगा से मुंबई जाने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा है। शराब बेचने के मामले में संलिप्त 21 लोगों की संपत्ति पर बिहार सरकार की नजर। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी ना जाने कितने लोग अभी भी शराब का धंधा करके मोटी रकम कमा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी इन पर नकेल कसने की एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 21 शराब माफियाओं की संपत्ति पर बिहार सरकार की नजर पड़ी है और अब इन पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम तैयार है। आपको बता दें कि अब तक 21 शराब माफियाओं की बिहार और दूसरे राज्यों में फैली अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। ईडी ने इस पर एक्शन लेते हुए 3 के खिलाफ ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें समस्तीपुर के BDO रॉय का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 4 बड़े शराब माफियाओं के करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले चिराग पासवान, देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ बिहार में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है। आए दिन कोई न कोई नेता इस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसी कड़ी में रालोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लाउडस्पीकर हटाने से संबंधित सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार जैसे प्रदेश में आज की तारीख में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाउडस्पीकर चर्चा का विषय हो नहीं सकता है। आज अन्य कई ज्वलंत विषय और मुद्दे हैं जिससे बिहार की जनता को फर्क तो पड़ता है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा भी है। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव बरकरार। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 41 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,03,231 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जहां राजधानी पटना में 5, वहीं दरभंगा और कटिहार में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो बुधवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 3205 नए मामले सामने आए हैं। जातीय जनगणना को लेकर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। बिहार में जातीय जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी चिंगारी समय समय पर भड़कती रहती है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का इसको लेकर अलग अलग मत होने की वजह से इसमें रुकावट हो रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने बताया था कि कौन इसका जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना नहीं होने का जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय को ठहराया था।
तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस मामले पर कुछ नहीं समझते हैं और कहीं से भी जातीय जनगणना के मामले पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय का कोई हाथ नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जितनी जातियों की संख्या पूरे देश में है उसकी गणना नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार तो पहले ही जातीय जनगणना कराने से मना कर चुकी है। प्रशांत किशोर को लोट नहीं ले रहे तेजस्वी यादव। देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकार में से एक प्रशांत किशोर अब किसी पार्टी विशेष के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब वो खुद पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की है, जिसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी माने या ना माने लेकिन नींद सभी की उड़ी है। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष ने ये जताने की कोशिश की है कि प्रशांत किशोर उनके सामने कुछ भी नहीं है, उन्हें उनके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल तेजस्वी यादव ईद के मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राजद एमपी अशफाक करीम से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर के नई पार्टी बनाने के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी खबर न देखता हूं और न ही सुनता हूं। लियाम लिविंगस्टोन ने लगाया मॉन्स्टर छक्का। बीते दिन गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम ने गुजरात का विजय रथ रोका और महज 16 ओवर में 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की। इस दौरान पंजाब की तरफ से शिखर धवन ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली, लेकिन लिविंगस्टोन ने मोहम्मद शमी के एक ओवर में 28 रन बनाकर सारी सुर्खियां बटोर ली। इस दौरान उन्होंने एक गेंद को 117 मीटर दूर भेज दिया। ये शॉट देखकर मोहम्मद शमी हंसने लगे। वहीं पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको बता दें कि ये छक्का आईपीएल 2022 का सबसे लंबा छक्का है। इससे पहले इसी सीजन में मुंबई के बल्लेबाज डेवॉल ब्रेविस ने 112 मीटर लंबा छक्का मारा था, जो कि अभी तक हाईएस्ट था, लेकिन लिविंगस्टोन के छक्के के बाद ये सबसे लंबा छक्का है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, सचिन कुमार, रंजीत मिश्रा, ध्रुव कुमार, मृत्युंजय कुमार, विनोद दास, सलीम भाई, कविता कुमारी, सुनील कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लियाम लिविंगस्टोन के बाद इस सीजन का सबसे लंबा छक्का कौन लगा सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।